दसवीं के प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मेरा प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न पांचवा सवाल, इसको देखना एकदम ध्यान से देखोगे आप लोग, बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंत अनेक हल हो। ध्यान देना, अनंत अनेक हल हो, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि अद्वितीय हल भी होता है और कोई हल नहीं भी होता है, लेकिन इसमें क्या है, अनंत अनेक हल हो। याद रखना, जिसमें अनेक हल होता है उसमें तीनों पद क्या हो जाएगा, बराबर। तो सबसे पहले इसको समझते क्या निकालते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ध्यान से देखो कि वीडियो को, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। याद रखना, x और y को नहीं लिखना है, उसको छोड़ करके बाकी सब को लिखना है। तो देखो इसमें x को नहीं लिखेंगे, पहला वाला क्या होता है a1, यहाँ लिख सकते हो इस प्रकार। देखो a1 बराबर क्या हो गया, 2, x को नहीं लिखना, ध्यान से देखो। फिर b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, y को नहीं लिखना है। और c1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 7। ध्यान से देखना इसमें नीचे वाले में a2 बराबर, देखो x को नहीं लिखना है, x को छोड़कर जो कोष्ठक के अंदर है सबको लिख देना। तो क्या है इसमें, k-1। वैसे देखो इसमें b2 बराबर हो जाएगा, y को नहीं लिखना है, कोष्ठक के अंदर है उसको लिखना है, क्या लिखा है, k+2। अब उसके बाद देखना ये हो जाएगा c2 बराबर हो जाएगा क्या, 3। ये हुआ a2 बराबर k-1, b2 बराबर k+2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा, 3k। x y को नहीं लिखना है। अब इतना करने के बाद ध्यान देते इसके फॉर्मूला को लिखना। अगर k का मान ज्ञात कीजिए बोला है तो पहले इसके सूत्र को लिखना है, अनंत अनेक हल के। तो ध्यान देना यहाँ लिखना, चूंकि समीकरण निकायों का अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल हो। ध्यान देना, जब समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल होता है तब उसका सूत्र होता है, रटने की जरूरत नहीं है, तीनों को इस प्रकार बराबर लिख देना, a1 by a2 बराबर होता है b1 by b2 और बराबर होता है c1 by c2, तीनों बराबर होता है, इसको याद रखना, अनंत अनेक हल होने पर, ये इसका फॉर्मूला है। अब सब मान को रखते जाना एक एक करके। देखो a1 का मान कितना आ गया, 2, a2 का मान कितना आ गया, k-1, b1 का मान कितना आ गया, 3 और b2 का मान कितना आ गया, k+2। ये लिखना, अब यहां से लिखना, c1 का मान कितना आ गया, 7, c2 का मान कितना आ गया, 3k। हो गया इतना, मान को रखना आपको ध्यान पूर्वक, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, मान किसमें रखना है। अब ध्यान देना, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तीनों में देखो इसमें भी k है, इसमें भी k है और इसमें भी k है, तो जितना पद में k रहेगा उतना मान निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना, एक एक करके इसको लेना, पहले इन दोनों को लेना, पहला और दूसरा को, तो उसके बाद लेना दूसरा और तीसरा को, फिर लेना पहला और तीसरा को। तो यहाँ इस प्रकार लिखना, प्रथम दो पदों से, यहाँ लिखना प्रथम दो पदों से, तो पहला और दूसरा को लेकर हल करना है आपको और k का मान निकालना है। देखो क्या लिखा है, 2 बटे k-1 बराबर क्या लिखा है, 3 बटे k+2। एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग वीडियो को देखें, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये पहला और दूसरा को लेना है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ कितना बुरा होगा, इस प्रकार ऐसे बुरा होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 k+2 को क्या लिखना, इसके कोष्टक में लिखना, बराबर ये 3 को लिखना और कोष्टक में लिखना k-1। कोष्टक मतलब क्या होता है, बुरा। ध्यान से देखो, 2 अपने जगह में है, k+2 इधर आ गया, ये 3 भी अपने जगह में है, k- क्या आ गया, इधर आ गया, हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखो 2 और k का गुणा करेंगे, ये 2 क्या हो गया, 2 × 4, उसके बाद ये हो जाएगा 3 और k का क्या हो जाएगा, 3k और 3 एकम 3। अब इसको पक्षांतर करोगे, k के एक साइड और संख्या एक साइड, यहाँ पर देखना इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ इसको देखोगे कितना हो गया, देखो ये 2k हो गया, ये 3k को इधर ले आना,
ध्यान से देखना, ये 2 के है, 3 के इधर आएगा तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखना माइनस 3 अपने जगह में है, 4 उधर ले जाना, प्लस उल्टा माइनस। ध्यान देना के एक साइड लाना है और संख्या संख्या एक साइड, उसके सामने को चिन्हों को देखना है। देखो 2 के अपने जगह में है, 3 के बराबर इधर है तो इधर आए, तो प्लस उल्टा क्या हो गया माइनस। यहाँ पर लिखा ये माइनस 3 अपने जगह में है, अब 4 को इधर लेके आओगे तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस, असमान चिन्ह घटता है तो 3 में से 2 गया 1 की, लेकिन 1 को लिखते नहीं है। अब देखना 3 बड़ा की 2 3, तो 3 के सामने क्या है माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। अब इसमें देखो माइनस 3 माइनस 4 दोनों क्या है समान चिन्ह, तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो 4 और 3 7 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। देखो 4 के सामने माइनस, इसमें क्या हो गया माइनस। ध्यान देना यहाँ पर माइनस, इसको इस प्रकार कटाना नहीं है, उसको वैसी रहने दो, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना के बराबर 7, क्लियर है, ये के का मान आ गया। अभी के का मान और निकालना, के का मान जैसे इसमें 7 आया वैसे इसको और हल करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों बराबर है ना, तो 3 बार इसका मान आएगा, लेकिन तीनों बार 7 ही आना चाहिए। अभी किसको लिए थे पहला दूसरा को, अब ध्यान देना दूसरा और तीसरा को लेना, पहला दूसरा लिए, अब किसको लेना है दूसरा और तीसरा को, इसको ऐसे कर देना, इस प्रकार दूसरा और तीसरा को लेंगे, ये अंतिम 2 पद है, ठीक है, इस प्रकार लिख लेना। यहाँ पर आप आगे इसको सॉल्व करोगे, देखना यहाँ पर ये हो जाएगा अंतिम 2 पदों से, अंतिम 2 पदों से। ध्यान देना अब ये पहला को नहीं लेना, इन दोनों को लेना। देखो क्या लिखा है 3 बटे, यहाँ लिखा है 3 बाई के प्लस 2 बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है 7 बटे 3 के। एकदम ध्यान से देखो, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब फिर से क्या होगा इरेगुलर होगा, तो ऐसे गुणा करेंगे, देखो 3 3 9 के, इस प्रकार हो जाएगा 3 3 9 के। अब डायरेक्ट गुणा करो, देखो 7 को गुणा के में करेंगे 7 के, और 7 2 14, ध्यान से देखना 3 3 9 के, 7 और के का गुणा करेंगे 7 के, और 7 2 14 हो जाएगा। फिर के एक साइड, ये 9 के हो गया, 7 के इधर आएगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। पक्षांतर करते वक्त सामने का चिन्ह को देखना है, यहाँ पर क्या बचा 14 बचा, 9 में से 7 गया 2 के, बराबर कितना हो गया 14 हो गया। किसका मान निकालेंगे के का, देखो के 2 और के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा रहता है और कुछ नहीं है, तो 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे में, तो नीचे में जाएगा कि बगल में जाएगा उसको ध्यान देना, कुछ नहीं है तो नीचे में ही जाएगा, तो 2 सत्य कितना हो गया 14, तो के बराबर कितना आ गया 7। पहले ही बताया था अगर इसमें के का मान 7 आया है, इसमें भी क्या आएगा के का मान 7 आएगा। ध्यान से देखो बहुत आसान है। अब क्या बताया पहला दूसरा दूसरा तीसरा, अब किसको लिखना लेना है पहला और तीसरा को, ध्यान देना किसको लेना है पहला और तीसरा को। यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिखोगे प्रथम प्रथम व अंतिम पद से, प्रथम व अंतिम पद से। तो देखो पहला में क्या लिखा है, पहला में लिखा है 2 बटे के माइनस 1, और लास्ट में लिखा है 7 बटे 3 के, यहाँ लिखोगे 2 बटे के माइनस 1 और ये हो जाएगा 7 बटे 3 के। फिर इसको तीसरा गुणा करेंगे, देखो ध्यान से 3 2 6 के, ये हो गया। फिर इसका गुणा करेंगे, देखो 7 और के का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7 के हो जाएगा, और 7 एकम 7। यहाँ से फिर से के एक साइड, ये 6 के हो गया, ये प्लस उल्टा माइनस 7 के, माइनस 7 वैसा ही रहेगा, फिर से घटेगा 7 में 6 गया 1 के, 7 बड़ा इसमें क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 7, ये माइनस में कटाएगा नहीं है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, के बराबर क्या आ गया 7। ध्यान से देखो तीनों में के बराबर 7, के बराबर 7 आया, ठीक है, तीनों में के बराबर 7 आ गया, तो अतः क्या हो जाएगा समीकरण में क्या है, ये क्या है अनंतता अनेक हल है, ये आपका क्या है आंसर है। वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखे, बहुत आसानी से समझ में आएगा।
निकाल है, देखो एक दूसरा तीसरा चौथा ये एक और सवाल है, चार सवाल है, क्या करना है आपको इसी प्रकार बनाना है। बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना ना भूले। धन्यवाद।